अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो तो अच्छा बनकर दिखाओ, ताकि दूसरों को भी लगे कि तुम एक जिम्मेदार बहू बनने के लायक हो। कोहली तुम्हारे नाम के बाद आता है, लेकिन इसका ध्यान तुम्हें सबसे पहले रखना है। मेहमानों को इम्प्रेस करना है, ताकि वो ये कहे कि पल्लवी कोहली की बहू अच्छी है, जिम्मेदार है। मैं तुम पर एक बार और भरोसा कर रही हूं प्राची, डोंट ब्रेक माई ट्रस्ट। सोनी ने कहा था कि तुमने टाइम पर छोले भिगो दिए थे, दैट्स गुड। लेकिन अच्छे छोले भटूरे कौन बनाता है ये मैं डिसाइड करूंगी, मेरा पूरा ध्यान रहेगा। रिया, यू यूज अ मेन किचन एंड यू प्राची, तुम स्पेयर किचन यूज करोगी। उनकी फर्क पैंदा है पुत्र, रसोई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अब छोले भटूरे तो हाथ से ही बनाने हैं ना आपने। और वैसे भी मेहमानों को कौन सा पता कौन सी रसोई में किसने छोले भटूरे बनाए हैं, उनको तो बस स्वादिष्ट और बेस्ट छोले भटूरे चाहिए, बेस्ट लंच चाहिए उनको, है ना। रिया पुत्र जी, तुझे कुकिंग आती है ना, क्योंकि 2 साल पहले तक तो तुझे चाय भी बनानी नहीं आती थी। हाँ आती है, इन 2 सालों में मैंने काफी कुछ सीख लिया एक्चुअली। मम्मी मैं खाना बना लूंगी दीदा। पुत्र जी बनाना ही नहीं, सबसे बेस्ट बनाना है आपको, और जो सबसे अच्छे छोले भटूरे बनाएगा ना उसको हम इस घर की बेस्ट बहू बना देंगे। क्या है जिसने हमें बर्बाद किया है भाई? उसने हर शख्स को मोहरे की तरह बिठाया, इस बात का प्रूफ है मेरे पास कि वो प्रज्ञा ही थी जिसने हमें बर्बाद किया। अरे ये रखी है क्या, मुझे लग जाती तो नहीं। अब भी रखी क्या आदमी है यार। तो ये सब कुछ मुझे बनाना है राइट? यस मैम, और मुझे आपकी हेल्प करने के लिए कहा गया है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ आप, मेरा मतलब है कि आप, मुझे खाना ना अकेले बनाना पसंद है। आई लाइक कुकिंग बाय मायसेल्फ, तो आप जस्ट। लेकिन पल्लवी मैम ने कहा कि, आई नो मम्मी ने कहा था कि आपको मेरी हेल्प करनी है ना, आपको मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आई डू इट बाय मायसेल्फ, मैं खुद से सब कुछ कर लूंगी, आप जा सकते हैं। Just leave. टमाटर। सोनी इधर आओ। टमाटर ना कम पड़ जाएंगे, थोड़े और ले आओ प्लीज। दीदी मेरा तो बहुत मन है आपकी मदद करने का, पर मैं नहीं कर सकती। पल्लवी मैम को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगी। सिर्फ गुस्सा तो कोई बात नहीं, पर वो मुझे नौकरी से भी निकाल सकते। I know, I'm so sorry, सोनी। कोई बात नहीं, मैं खुद ले आऊं, ठीक है? प्लीज आप बुरा मत मानना। अरे नहीं बाबा, मैं समझ सकती हूँ, और छोटी सी तो बात है, मैं ले आऊं, तुम जाओ। ये आपका कंपटीशन चल रहा है ना प्रिया मैम के साथ, so I'm sorry. Actually, हम दो बहने हैं, और बहनों में कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है। इसलिए चाह भी किसी को भी मिले, एक ही बात है ना। प्राची तुम्हें तो लग रहा होगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो तुम तो ऑटोमेटिकली जीत गए। तुमने तो मन ही मन सोच लिया होगा कि चाबियां तो मम्मी तुम्हें ही देगी। सपने देख रही होंगी कि कैसे मुझे हराओगी इस कॉम्पिटिशन, अच्छे छोले भटूरे बनाकर सबके सामने मुझे नीचा दिखाओगी, मुझे यूजलेस फील कराओगी, है ना। ऐसा नहीं होगा प्राची, बिकॉज मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। प्राची तुम्हें लग रहा होगा कि हम दोनों बहनों के बीच में कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, है ना। यू आर सो रॉन्ग प्राची, सो रॉन्ग। कॉम्पिटिशन हम दोनों के बीच में बहुत पहले से, उसी दिन से है जिस दिन तुम मुझसे पहली बार मिली थी। तुमने हर स्टेज पे मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, और इस बार मैं तुम्हें हराने के लिए कुछ भी करूंगी। हमें अब पहले की तरह लड़ना नहीं है, हमें एक होके रहना है, क्योंकि अब हम बहने नहीं है, हम बहुएं हैं, वो भी एक ही फैमिली, और हम एक साथ एक घर में है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। मुझे पता है रिया,
तुम्हें भी माँ और पापा की बहुत याद आती होगी ना मेरी तरह। तुम्हें भी लगता होगा कि यहाँ मैं हूँ, तुम हो, काश माँ और पापा भी होते। सॉरी, आई एम सॉरी, मैं उनकी कमी पूरी नहीं कर सकती तुम्हारी लाइफ में, पर बहन की कमी तुम्हें कभी महसूस नहीं होने दूंगी, मेरा वादा है तुमसे। मैं तुम्हारा परिवार हूँ ना, मैं तुम्हारा मायका हूँ, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी ना, तुम्हें लगेगा लाइफ में और किसी चीज की जरूरत ही नहीं, कमी नहीं। मेरी लाइफ की हर एक कमी की जिम्मेदार तुम हो प्राची। पहले तुमने मुझसे मेरे डैड को अलग किया, तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीन लिया, तुमने मुझसे वो सारी चीजें छीन ली जो मुझे चाहिए थी, सब कुछ ले लिया। मजा आता है ना तुम्हें? अच्छा लगता है ना मुझे रोता हुआ देख? तुम्हें मेरा अकेलापन देखना भी बहुत पसंद है ना प्राची? तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तुम्हारे दिल को खुशी मिलती है ना जब तुम मुझे अकेला देखती हो, देखते हो कि मेरी लाइफ में और कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली हूँ। हमेशा तुमने प्लान किया प्राची और मैं हारी, लेकिन अब नहीं, इस बार नहीं प्राची, इस बार मैं प्लान करूंगी और तुम हारोगी, क्योंकि चीजें बदल गई है, वक्त बदल गया है, मैं बदल गई, बट दिस टाइम आई प्लान एंड यू विल लूज। क्या कर रही हूँ मैं, पागल हूँ मैं बिल्कुल, रणवीर सही कहता है, चिकी तुम बिल्कुल पागल हो। अरे छोले मसाला तो इतना कम है, इतने सारे लोगों के लिए कम पड़ जाएगा, अब क्या करूं? रिया से मांग लेते हैं, उसके पास हो। रिया, अरे इसने तो काम शुरू भी नहीं किया, खुद भी पता नहीं कहां चली गई। इन्होंने मुझे सबसे पहले नशे वाला पानी पिलाया, फिर उसके बाद कुछ पेपर साइन करने के लिए कहा। ये वही पेपर थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं अपने सारे शेयर्स अपनी पूरी कंपनी इनके नाम पे कर रहा हूँ। मैंने ये पेपर अपनी मर्जी से साइन नहीं किए, बल्कि मुझे जबरदस्ती करवाए गए हैं। मैंने एफ आई आर की है इनके अगेंस्ट। अब कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि सच क्या और झूठ क्या है। इसने मुझे मोलेस्ट किया है। अगर प्रज्ञा ऐसा करती है तो वो हर मुसीबत से बाहर निकल जाएगी और उस गौरव थापर को उसका करारा जवाब मिल जाएगा। उसे अपने मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, यही सही रहेगा। शगुन, यस मैम। प्रज्ञा अपने कमरे में। हम सोसाइटी में अपनी इमेज और इज्जत वापस लानी है तो आपको अपनी लाइफ में उसे लाना होगा जो आपकी लाइफ में सबसे पहले आए। गौरव ने आप लोगों की इमेज और आप लोगों की इज्जत पर अटैक किया है। वो चाहता है कि आप लोगों की इमेज खराब हो। सोसाइटी आपको गलत समझे, केस कोर्ट में जाने से पहले ही एक तरफा हो जाएगा। प्रज्ञा, मुझे सोल्यूशन मिल गया है। सोल्यूशन? तनु ने जो परिणाम मत दीजिए मेरे साथ। उसकी पता नहीं कैसे इतनी हिम्मत हो गई कि यहाँ आके मुझसे वो बात करके गई है, लेकिन मैं उसकी कोई बात तक नहीं करना चाहती। सोच गंदी है उसकी, बात गंदी है, उसका नाम सुन के मुझे इतना गुस्सा आ जाता है कि इस पार्टी में उसका नाम नहीं सुनना चाहता। बस इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन कर रहा है उनसे ही फोन करके पूछ लूं। वो तनु जिसके सामने मैं 2 मिनट खड़ी नहीं रह सकती, उसके साथ शादी करके रह कैसे सकते हैं वो? I swear, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे। प्रज्ञा, आई नो तनु कैसी है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। जिस प्रॉब्लम में तुम हो ना, उसके बारे में मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने वो कॉन्फ्रेंस वाली न्यूज भी देखी और अब मेरे दिमाग में भी वही चल रहा है जो हमारा लॉयर बोल रहा था। क्या बोल रहा था? देखो प्रज्ञा, सच कहूँ तो
जिस प्रॉब्लम में तुम हो ना, वो किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। हाँ। तो उससे बाहर निकलने का वही एक रास्ता है जो तनु बता कर गई है। क्या बोल रही आप? आप तनु को सपोर्ट कर रही? नहीं, मैं तनु को सपोर्ट नहीं कर रही। उसकी बात मानना, उसे सपोर्ट करना है। मतलब आपको लगता है जो वो कह रही है वो सही है? प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्लीज काम डाउन एंड मेरी बात ध्यान से सुनो। पता ये क्या है? ये कोर्ट के पेपर्स है। गौरव ने तुम्हारे अगेंस्ट केस किया है। वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा बता रहा है, ताकि तुम्हारे पास वाकई कोई रास्ता ना बचे। लेकिन हमारे पास एक रास्ता है, एक रास्ता है जो तनु बोल रही थी। और फिर वो लॉयर ने भी तो यही कहा था ना कि अगर तुम अपने एक्स हस्बैंड को फिर से अपनी लाइफ में वापस ले आती हो तो तुम्हारा केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसने क्लियरली कहा था कि कोर्ट से पहले सोसाइटी की जजमेंट को अपनी फेवर में लेना होगा। सोसाइटी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, इसका जज की सोच पर बहुत असर पड़ता है। प्रज्ञा, प्रज्ञा, तुम्हारी इमेज खराब कर रहा है गौरव, और तुम्हें अपनी इमेज को बचाने के लिए सबसे पहले अपने एक्स हस्बैंड को अपनी लाइफ में वापस लाना होगा। वो करना होगा जो तनु कह रही है। बेचने की बात कर रही हूँ, मैं उन्हें खरीद नहीं सकती, मैं उसके लेवल तक नहीं गिर सकती। और मैं तुम्हें इन लोगों की नजरों में गिरते हुए नहीं देख सकती। प्रज्ञा, प्रज्ञा, इसमें खरीदने जैसा क्या है? तुम गई थी उसके पास ये ऑफर लेकर कि मैं तुम्हारे पति को खरीद रही हूँ? नहीं ना, वो आई थी तुम्हारे पास कि मेरे पति को खरीद लो और मुझे पैसे दे दो। तनु जैसी है, जैसी उसकी सोच है, वो इस ऑफर को वैसा ही नाम देगी। तुम उसकी नजरों से इस डील को क्यों देख रही हो? तुम अपनी नजरों में देखो कि तुम्हारी नजर में क्या है। ये एक मौका है जिसे तुम्हें अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकती और मैं नहीं करूंगी। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ना क्यों कर रही हो? अभी को खरीदने से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे तनु से है। क्या पता ये मौका नहीं धोखा चक्रव्यूह से निकालने की जगह वो उसमें और फंसाने की कोशिश कर रही हो। प्रज्ञा, तनु ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अगर उसे करना होता ना तो अब तक कर चुकी होती। लेकिन उसकी इतनी हैसियत नहीं कि तुम्हारे अगेंस्ट कुछ कर सके। ये केस गौरव ने किया है और तनु इसमें सिर्फ अपना फायदा देख रही है। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि सिर्फ तुम भी अपना फायदा देखो। आपकी मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा जवाब ना ही रहेगा। तुम क्यों इतनी ज्यादा जिद कर रही हो? तुमने वो पेपर्स पढ़े ना वो पेपर्स देखा गौरव ने तुम्हारे अगेंस्ट क्या लिखा है उसमें? प्रज्ञा, उसके पास तुम्हारी वीडियो फुटेज है जिसको वो झूठ से सच में बदल देगा और ये केस कोर्ट में जाने से पहले ही तुम हार जाओगी। समझने की कोशिश करो। आप क्यों नहीं समझ रही कि सच बोलने का मौका मुझे भी मिलेगा? मैं बताऊंगी कोर्ट को कि गौरव झूठा है, उसके सारे सबूत भी झूठे हैं। सच बोल दोगी? क्या प्रूव करोगी? और जब तक प्रूव करोगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि ये केस जितना लंबा चलेगा ना प्रज्ञा, तुम्हारी इमेज, तुम्हारी रेपुटेशन उतनी ही ज्यादा खराब होगी। लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। मीडिया को मसाला मिल जाएगा न्यूज बनाने के लिए। तुम्हारी पास्ट लाइफ को लेकर तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालेंगे। लोगों से लड़ोगी या गौरव से? प्रज्ञा, प्रज्ञा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुमने अपनी इमेज बहुत मुश्किल से बनाई है और अपनी इस जिद की वजह से ना उसे खराब मत करो। क्योंकि तुम्हारी इमेज खराब होगी तो तुम डूब जाओगी तो तुम ये केस हार जाओगी। हारते वो है जो लड़ते नहीं, और मैं लड़ने वाली। आई एम गोइंग टू फाइट बैक। मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरी माँ ने मुझे लड़ना सिखाया, आपने मुझे हार नहीं मानना सिखाया।
मेहनत से ये पैसा ये नाम कमाया, आज इस प्रॉब्लम के लिए शॉर्टकट अपना लूं मैं। अरे तो मैं कौन सा तुम्हें शॉर्टकट लेने के लिए कह रही हूँ, बस उस रास्ते पर चलने के लिए कह रही हूँ जो हमारे पास आखिरी बचा है। जिस रास्ते पर चलकर हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, तो तुम खुद का रास्ता क्यों बनाना चाहती हो? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? क्यों लोगों को चांस दे रही हो कि तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करें? प्रज्ञा, मैं सिर्फ तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे जो समझ में आएगा ना, मैं वो करूंगी। मैं एक माँ हूँ, वो माँ जो सालों पहले अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं करूंगी। क्योंकि जब अपने बच्चों की बात आती है ना प्रज्ञा, तो माँ सही गलत नहीं, उनका अच्छा बुरा देखती है। हो सकता है कि ये रास्ता गलत है, लेकिन मेरी नसीहत गलत नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक माँ की नसीहत है। वो तन्नु तुम्हें तुम्हारा एक्स हस्बैंड बेचने की बात कर रही है, और मैं उसे खरीदने की बात कर रही हूँ। दैट्स इट। पता नहीं कहाँ रह गई रिया, अभी शुरू करना चाहिए था ना काम, उसे लेट हो जाएगा। रिया, रिया तुम अंदर हो? रिया, अब रिया, अरे वहां से बात मत करो, अंदर आ जाओ और डोर लॉक कर देना। ये क्या है? हमें नहीं पता ये क्या है। मैनी क्यों और पेडिक्योर हो रहा है? व्हाट एल्स? नहीं, वो मुझे पता है, पर अभी इस वक्त तुम लेट हो जाओगी। रांची में लेट नहीं होने वाली। अब वैसे भी बहुत दिन हो चुके थे मैं सैलून नहीं गई थी, और तुम्हें तो पता है कि मुझे मेरे नेल्स नीट एंड क्लीन रखना बेहद पसंद है। और आज तो गेस्ट भी आने वाले हैं, गेस्ट आएंगे तो सबको नमस्ते करूंगी, नमस्ते करूंगी तो सबसे पहले मेरे नाखून दिखाई देंगे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे फेस के साथ साथ मेरे नेल्स भी अच्छे लगे। तुम भी करवा लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। कोई काम था? हाँ, एक्चुअली मुझे छोले मसाला चाहिए था, मेरे पास है पर कम पड़ जाएगा, गेस्ट ज्यादा है ना। तुम्हारे पास गई थी मैं किचन में, पर तुम थी नहीं, तो यहाँ तो जाओ, जाके ले लो, तुम्हें जो चाहिए ले सकती हो तुम। नहीं, एक्चुअली तुम्हारे एब्सेंस में मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी, कुछ छूना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हें पूछने आ गई। राची, तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो? मेरी पड़ोसी हो, तुम्हें जो चाहिए जाके ले सकती हो। ओके, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए? पेडिक्योर के लिए? नहीं, किचन में कुछ हेल्प करना हो, कुछ करना हो तो मैं कर सकती हूँ। थैंक यू, लेकिन मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। श्योर ना, क्योंकि तुमने अभी तक कुकिंग शुरू नहीं की है। यार, छोले भटूरे बनाने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, और गेस्ट तो पहुंच ही जाएंगे ना लंच तक। मम्मी को तुमसे बहुत उम्मीद है, जिस तरह कल तुमने सब कुछ अच्छे से हैंडल करके सबको इम्प्रेस किया ना, वो चाहती है आज भी तुम वैसा ही करो, और तुम्हें करना भी चाहिए। सो प्लीज जल्दी करो, वरना लेट हो जाओगी। रिलैक्स प्राची, तुम देखना मैं सबसे टेस्टी छोले भटूरे बनाऊंगी। और तुम्हें काम करो ना, तुम जाओ अपने छोले भटूरे पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, कुछ चाहिए होगा तो बुला लेना। हाँ, जल्दी करना। यस, ज्यादा बस दरवाजा बंद कर देना। मैम, बस अब आपके नेल्स रह गए, वो मैं आपके कुकिंग के बाद कर दूंगी। अभी करो तुम मेरे नेल्स। पर मैम वो खराब हो जाएंगे, आप एक बार कुकिंग कर लो, हम उसके बाद नेल्स कर लेंगे। मैं छोले भटूरे नहीं बनाने वाली, मैं छोले भटूरे ऑर्डर करूंगी दिल्ली के बेस्ट रेस्टोरेंट से, जो सीधा घर पे आएगा। कभी कभी ना हाथ नहीं, दिमाग चलाना पड़ता है। ले लो, शुरू करो। पर मैम, मैंने तो सुना था कि आपकी फैमिली को आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, कि आप बहुत अच्छे छोले भटूरे बना लोगी, आप धोखा दे रही हो उन्हें। तुम ब्यूटिशियन हो या पॉलिटिशियन, वैसे भी तुम्हारी कंपनी की सबसे महंगी पैकेज मैंने ली, सबसे लॉयल कस्टमर हूँ मैं, सबसे ज्यादा पैसे मैं ही देती हूँ, और तुम क्या चाहती हो कि मैं सबसे खराब रेटिंग दूँ और सबसे खराब रिव्यू दूँ? तुम्हें लिख दूँ कि तुम बहुत ही अनप्रोफेशनल हो? नहीं चाहती हो ना, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। और वैसे भी आजकल ना लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे चेहरे पर सिर्फ अच्छा ही बोले मेरे बारे में। तो बोलो, क्या बोलोगी मेरे बारे में? दुनिया की सबसे बुरी बहू हो तुम। मैम, आप दुनिया की सबसे अच्छी पेइंग कस्टमर हो। परफेक्ट, थैंक यू। प्रज्ञा के यहाँ गई थी तुम? क्यों मिलने गई थी तुम उससे? क्योंकि उससे मेरा पुराना रिश्ता है। रिश्ता? हाँ, रिश्ता। अब रिश्ता थे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, रिश्ता तो रिश्ता होता है ना। क्या रिश्ता रिश्ता लगा के रखा है तुमने? रिश्ते लाए? एनीवे, प्रज्ञा से मिलने क्यों गई थी तुम? उसकी हेल्प करने। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा, या भाई की सुबह सुबह मार लिया तुमने बच्ची हुई? भूल गई कि हमने उसे प्रॉब्लम में डाला है,
क्या हेल्प करने गई थी तुम उसकी? तू भी ऑनेस्ट में गई तो थी हमारा फायदा करवाने, लेकिन हमारा फायदा होते हुए कुछ नजर आ नहीं रहा था। साफ साफ बताओगी तनु कि तुम वहां पर गई क्यों थी? रिमेम्बर अभी ने क्या कहा था कि बिना फायदे के ना मेरा दिमाग चलता है ना मेरी जुबान चलती है। तुमने जो गौरव के साथ प्लान बनाया उसमें मैंने तुम्हारा साथ इसीलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कि कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन गौरव तो पैसे देने से रहा, तो सोचा कि प्रज्ञा के पास ही चली जाती हूँ। मेक सम सेंस तक, तुम मुझे ना गुस्सा दिला रही हो। पैसों के लिए गई थी प्रज्ञा के पास और प्रज्ञा तुम्हें पैसे दे देगी? हाँ, क्योंकि मैं उसे अपना पति बेचूंगी। तो क्या सोचा तुमने, खरीदोगी अभी को? प्रज्ञा तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम बहुत ज्यादा गहरी खाई में गिरती जा रही हो और उससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है। अगर बचना ही है तो लड़के बचू, चक्रव्यूह है तो लड़के बाहर निकलूंगी, वो करूंगी जो अभिमन्यु ने किया। अभिमन्यु, उसके साथ क्या हुआ था शायद तुम्हें ये भी याद होगा ना? प्रज्ञा कभी कभी ना जीतने के लिए लड़ना जरूरी नहीं होता है, लड़ाई को तुम टाल भी सकती हो,